तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं लोटस टेंपल की ओर। ये जो स्टेशन है इसका नाम है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ से हमने कार्ड किया टैब, इसके बाद हम करेंगे एंट्री। ये जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक का व्यू है। खैर यहाँ पे मेरे आने से पहले ही मेट्रो खड़ी हुई थी। यहाँ पे लगभग 5 मिनट तक मेट्रो रुकती है, जिसमें की वजह से क्योंकि यहाँ से बनके ही चलती है मेट्रो। ये मेट्रो का थोड़ा ओल्ड मॉडल है मैं आपको बता दूँ, और ये इलेक्ट्रॉनिक से जाती है सीधा द्वारिका तक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन की जगह पे प्रिंट नज़र आ रहा होगा, इससे जाहिर होता है कि ये ओल्ड मॉडल है। और सामने आपको दिखाई दे रहा है एक टावर नहीं, खैर और भी हैं इसके साथ। ये प्रॉपर रेजिडेंशियल है, इसमें आपको कोई भी ऑफिस स्पेस नहीं मिलने वाला है। सामने एक आपको और मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा होगा। मुझे मेट्रो चेंज करनी होगी क्योंकि मुझे मजेंटा लाइन पकड़नी है। ब्लू लाइन डायरेक्ट वहाँ नहीं जाने वाली है, उसी बीच में मुझे कुछ काम है सुपरनोवा में, ठीक है, वहाँ पे भी हम रुकते हुए जाएंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं बोटेनिकल गार्डन में। यहाँ पे मुझे मेट्रो चेंज करनी होगी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। उसी के साथ ये हम आपको लेके चलते जा रहे हैं। सामने बज रहे हैं 3:59, मतलब 1 मिनट कम है 4 बजने में। उसी के साथ हम जा रहे हैं आगे की ओर, जहाँ से मुझे आगे जाके लेना होगा लेफ्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो सामने लाइन दिखाई दे रही है वहीं पे मेरी मेट्रो आएगी। और ये मैं एक बात और बताती हूँ कि मतलब ये जो आपको प्रिंट दिखाई दे रहे हैं ना, फुटप्रिंट, ये मतलब अनजान आदमी भी जा सकता है, उसको भी पता रहेगा कि हाँ मुझे किस ओर जाना है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेट्रो कौन सी है, ठीक है। और उसी के साथ अभी मेट्रो आने में टाइम है। ये सामने आसपास का व्यू देखिए, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और इसी के साथ मेरी मेट्रो आ चुकी है। अब यहाँ से मुझे जाना होगा ओखला बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे सुपरनोवा मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और उसी के साथ मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट भी करने होंगे। वो जो सामने आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे आके कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। उसी के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ एक बार फिर से। आप देखिए सुपरनोवा की ओर, इसके जो ये जो बिल्डिंग पूरा टावर दिख रहा है, इसमें लगभग 80 फ्लोर हैं, जिसमें कि आपको रेजिडेंशियल प्लस ऑफिस स्पेस मिलने वाले हैं। और इसी के साथ आप आ जाइए सामने की ओर, ये नोएडा एक्सप्रेसवे है। देखिए बहुत ही गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, काफ़ी मतलब कोई इस अच्छा रोड होने की वजह से कोई ट्रैफिक वैफिक नहीं है। अब हम फाइनली, मैंने बीच का कुछ स्पेस लिया है, उसी के साथ मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली की ओर, ठीक है। ये ओखला है जो दिल्ली में है, यहाँ से मुझे लोटस टेम्पल पड़ेगा पास में। अब लोटस टेम्पल की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।